जाएगा शिविका का रिश्ता? क्या बदल जाएंगी अनिका और शिवाय की राहें? दरअसल अनिका शिवाय की शादी की बात से टूट सी गई है और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो शिवाय के पास आई है, लेकिन शिवाय के जवाब से अनिका को तकलीफ के सिवाय कुछ हासिल नहीं होता। मुझे पता है कि आपकी और ट्विटर की सच्चाई, और मुझे ये भी पता है कि ट्विटर किसी और की शिवाय अनिका को खुद से दूर करना चाहते हैं, शिवाय इस शादी से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन अनिका भी ये बात समझ जाती है कि वो अकेली इस शादी को नहीं चला सकती है। जिंदगी में आपके घर, आपके दिल मेरे लिए कोई जगह है तो मैं यहाँ क्या करूँ? क्यों मैं हमेशा अकेली इस रिश्ते के लिए लड़ती हूँ? क्यों मैं ऐसे हमेशा बचाती हूँ? वैसे भी मेरे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होना। शादी तब भी निपटती है जब दो लोग उसे निभाना चाहे, लेकिन हम इसे एक तो अभी तक शादी के मायने ही नहीं समझा। आंखों में आंसू और अपने दिल को मजबूत करके अनिका ने ये फैसला तो ले लिया, लेकिन अनिका जाते जाते भी शिवाय से एक आखिरी सवाल करती है और अपने सवाल का जवाब सुन वो बुरी तरह से टूट जाती है और शिवाय की जिंदगी से चली जाती है। खैर, अगर आपने हाथ छोड़ने का फैसला ले मेरे पास तुम्हारी बचकानी बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। बात को टालिए मत और जवाब दीजिए। अगर मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर पड़ेगा भी तो सिर्फ इतना। वैसे आपको बता दें कि शिवाय अनिका से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो कोई शादी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनिका की जान बचाने के लिए शिवाय ने खुद अनिका को अपने आप से दूर किया है। तभी तो देखिए कैसे अनिका के जाते ही शिवाय बेचैन हो गए। अनिका जाने से पहले शिवाय की दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा और एक लेटर छोड़कर जाती है जिसे पढ़कर शिवाय इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हें इतना परेशान करेगा कि तुम्हारा मन करेगा उसका गला दबा दो। लेकिन फिर अपनी कंजी आंखों से ऐसे देखेगा कि तुम्हारा सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। लेकिन उसकी ये सारी बुराइयां उसकी अच्छाइयों के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस बाहर बिले के अंदर इतना अच्छा दिल छुपा हुआ है जो सबसे प्यार करता है, जो अपने परिवार के लिए जान तक दे सकता है। अनिका के घर से जाते ही शिवाय को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शादी के लिए साफ इनकार कर देते हैं। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। अनिका सोच भी कैसे सकती है? उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो जब नहीं होती ना मुझे सांस नहीं आती, और वो मैं नहीं करूंगा शादी किसी से, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे अनिका चाहिए। वेल, शिवाय के इस फैसले के पीछे की वजह तो वही जाने, लेकिन जाने अनजाने में शिवाय ने अनिका को काफी तकलीफ दे दी है। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।